आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्शन, नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमें क्या करना है, इथेनॉल से इथीन बनाना है। तो देखो इसके दो हमारे पास प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं कि हम लोग इथेनॉल से इथीन बना सकते हैं। एक तो है सीधे रिएक्शन पता होना चाहिए, तो जो हमारा रिएक्शन वाला है रिएजेंट के थ्रू वो है C2H5OH, मतलब ये इथेनॉल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसको, इसको हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में, और हमने टेम्परेचर रखा करीब 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 170 इसलिए रखा क्योंकि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, क्योंकि इसी रिएक्शन से हम लोग ईथर भी बनाते हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन से हम लोग एल्कीन भी बना रहे हैं। एल्कीन थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर बन रहा है, आप देख सकते हैं 170 पे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 443 केल्विन। 443 केल्विन पे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, रिएजेंट यही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे, 413 केल्विन अगर कर देंगे, ठीक है, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना वो मिलेगा O और फिर लग जाएगा C2H5। तो ये एक तरह से क्या बन गया, ईथर बन गया ना, यहाँ ईथर बन रहा है, एल्कीन बन रहा है, डिफरेंस इसमें टेम्परेचर में। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट रिएक्शन। अब अगर हमें ये देखना है कि मैकेनिज्म क्या है, तो अगर हम लोग चलो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो C2H5, ठीक है, O और यहाँ पे H, और यहाँ पे मैं एक लोन पेड़ दिखा रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं हम लोग ने इसको डाल दिया एसिडिक मीडियम में H+। तो क्या करेंगे ना, H+ आएगा यहाँ पे, अटैक करेगा इसके लोन पेड़ में, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो यहाँ पे एक H ऐसे आएगा, एक H ऐसे आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड भी होगा C के साथ, ठीक है, वो बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, जो ये हमारा OH2+ बन रहा है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2+ और प्लस H2O। OH2 बोलो या OH2 प्लस यहाँ छोड़ गया, बॉन्ड वहाँ ले गया। अब इसका क्या होगा, यहाँ पे एक H, अगर हम लोग CH2 इसको कर दें, एक H यहाँ कर दें, तो ये H यहाँ अगर यहाँ से चला जाएगा पॉजिटिव लेके, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग ने बना दिया, हम लोग ने शुरुआत की थी यहाँ से इथेनॉल से, और बन गया यहाँ पे इथीन। सो ये भी एक प्रोसेस है और वो भी एक प्रोसेस है, उसी की मैकेनिज्म ये है, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 है तो वो H+ प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम लोग यहाँ लिख दें मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म होगी इस रिएक्शन की। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।